सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब के सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है विवेक मेहता और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है UFZ गेमिंग। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोग यहां पे मेरे चैनल पे यहां पे पहली बार आ रहे होंगे गाइस। तो यहां पे वीडियो को लाइक कर देना गाइस और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन है उसको जो है ऑल पे सेट कर देना, ठीक है? कभी कभी तेज़ बोलता हूं तो गाइस उसके लिए माफ़ी चाहेंगे थोड़ा बहुत, तो ध्यान रखिएगा। और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे फ्री फायर लोकल कप के बारे में, जो कि प्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय है लोकल ई स्पोर्ट गाइस। तो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे पूरे के पूरे। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें होगा जो होगा यहाँ पे लोकल ई स्पोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे, ठीक है, उनकी ऑर्ग का यहाँ पे सर्वर का, डिस्कॉर्ड सर्वर का। तो उस पर आपको जाना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे गाइस सबसे पहले जाना है आपको सेल्फ रोल पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक करके सारे रोल सेट कर लेने, यहाँ पे जिस तरह देखा होता है फ्री फायर का लोगो बना है वहाँ पे फ्री फायर के क्लिक कर देनी है। अगर आप 18 प्लस है तो 18 प्लस पे वाले पे इमोजी पे क्लिक करना है, अगर 18 बिलो तो 18 बिलो वाले पे, ठीक है। इस तरह से आपको सारे के सारे रोल्स यहाँ पे ले लेने हैं। इससे क्या होगा कि आप आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी इनके पास, आपको पता लग जाएगा। जब भी आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे इनके सर्वर में आके, तो आपको पता लगेगा आपने क्या क्या सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये करना जरूरी है गाइस, ठीक है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिल जाए फ्री फायर से रिलेटेड अपडेट, इसके लिए जरूरी है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे FFLC के बारे में, ठीक है, फ्री फायर लोकल कप, जो कि 10,000 प्राइस पूल रखता है। तो उसके बारे में हम लोग आए हैं। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से आपको आना है, इधर आपके आने के बाद इन्फो पे जाना है सबसे पहले। तो इन्फो में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं फ्री फायर लोकल कप प्राइस पूल 10,000 होने वाला है, प्रेजेंटेड बाय लोकल स्पोर्ट, है मैनेज बाय लोकल स्पोर्ट और पावर्ड बाय भी लोकल स्पोर्ट। तो यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, फर्स्ट प्राइस मिलने वाला है 5,000 INR, सेकंड प्राइस मिलने वाला है 2,500 INR, थर्ड प्राइस है 1,500 INR और MVP जो होगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट उसको 1,000 मिलेगा, ठीक है। तो 1,500 स्लॉट है गाइस यहाँ पे, हर एक मैप यहाँ पे होगा, ठीक है, हर एक मैप मतलब तीनों चारों मैप मिलेंगे आपको देखने को। स्क्वाड एंट्री है ओनली, इमुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको फिर से एक बार राइट की तरफ वापस राइट स्वाइप मारना है एक बार, और उसके बाद अब जाना है अपडेट की तरफ को। अपडेट की तरफ यहाँ पे क्या दिया गया है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले कहाँ जाना है, जाना है FFLC हाउ टू रजिस्टर में, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत सारे दिए गए स्टेप्स वगैरह। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लोकल स्पोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब ही नहीं करना है, रुक जाओ अभी, भाग मत जाना, ठीक है, अभी सुन लो पहले क्या करने वाले हो, ठीक है, पूरी वीडियो में। तो लिखा है कि सेंड 4 SS in FFLC YT SS वेरिफिकेशन, ठीक है, आपको पहले 4 स्क्रीनशॉट डालने, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ यहाँ पे एक लिंक यहाँ पे यूट्यूब का, यहाँ पे इनके चैनल का। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना गाइस, ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को। और गाइस चारों स्क्रीनशॉट आपको हर एक टीम मेंबर से लेने हैं, हर एक बंदे से चारों स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करके जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले सब्सक्राइब मारना, उसके बाद एक स्क्रीनशॉट खींच के आ जाना है, ठीक है। आपकी टीम के जो बंदे खेलते होंगे उनसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक ही जैसा स्क्रीनशॉट लोगे तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से वापस आना है राइट साइड और फिर से यहाँ पे FFLC YT SS में जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चारों स्क्रीनशॉट जो आपके बंदों ने दिए थे उनको क्लिक करके यहाँ पे आपको उनको यहाँ पे सेंड कर देना है, ठीक है। इतना सा काम है आपका। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी देर इंतजार करना, लगभग 5-10 मिनट यहाँ पे, क्योंकि मॉडरेटर एक्टिव रहते हैं यहाँ पे इनके डिस्कॉर्ड में। तो यहाँ पे कुछ ही देर बाद जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट इस तरह से यहाँ पे डाल लोगे तो कुछ ही देर बाद मॉडरेटर इनको चेकआउट करेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे दे देगा, मतलब अनुमति दे देगा, परमिशन दे देगा रजिस्ट्रेशन करने की। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है गाइस, मैंने शाम को वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाना है, इसके बाद आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अभी परमिशन नहीं मिली है, तो मैंने ये वीडियो शाम को बनाई थी, इतनी मैंने सोचा कि शाम को शायद ऑनलाइन होगा तो मैं शाम को अपलोड कर दूंगा, लेकिन सुबह मेरे को रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे मिल गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह हो चुकी थी। तो यहाँ पे रजिस्टर में एक बार फिर से आपको एंटर होना है, तो मैंने यहाँ पे फिर से रजिस्टर हेयर में यहाँ पे एंटर हुआ, सुबह तक मैंने देखा तो मेरे को मिल चुका था। तो आप दिन में कर रहे होंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा एक यहाँ पे मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेक्स्ट दिया, उसको कॉपी कर लेना आप लोगों को, इस तरह से यहाँ पे फिर पेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन उतना काम नहीं है गाइस, उससे आगे भी काम होने वाला है, अभी ध्यान से देखिए हर एक स्टेप को, ताकि आपको पता लगे किस तरह से रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टीम नेम, यहाँ पे आपकी टीम का जो नाम है वो आपको फिलअप कर देना है, जैसे मेरी टीम का नाम है UFZ eSport, ठीक है। जिस तरह से यह क्लिक डेमो है तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से रजिस्टर करना होता है, तो ठीक है। सबसे पहले प्लेयर वन का इन गेम नेम, जो आपके प्लेयर का इन गेम नाम है वो आपको फिलअप करना है, जिस तरह से मैंने UFX मैक्स डाला यहाँ पे। उसके बाद करेक्टर आईडी गाइस, तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपके चारों बंदे इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में होने चाहिए जो गेम खेलने, जो टूर्नामेंट खेलने वाले, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट डालना गाइस, गलत नहीं डालना। और करेक्टर आईडी सबकी यहाँ पे जो गेम की UID है वो आप डालनी है करेक्टर आईडी में, ठीक है। तो सबकी यहाँ पे कॉपी कर लो, या तो फिर उसको साइड में कागज पे लिख लो, फिर कागज से भर देना, ठीक है, यही सिंपल से दो तरीके हैं यहाँ पे गाइस। तो सबसे पहले मैंने तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में रखा था यहाँ पे पिन करके, तो मैंने यहाँ से एक आईडी उठा ली। उसके बाद डिस्कॉर्ड टैग, सबसे मेन स्टेप, पहले हाइफन के बाद एक स्पेस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद यहाँ पे एक बार @ करके, उसके बाद यहाँ पे आपको UFZ, जैसे मेरे बंदे का नाम है UFZ
जेड मैक्स, तो यहाँ पे उस तरह से ऊपर आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना। और ब्लू जब आपका जो हो जाता है नाम, जिस तरह से मेरा ये ब्लू हुआ, उस तरह से जब आपका नाम ब्लू हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बंदा सक्सेसफुली टैग हो गया है। तो फिर यहाँ पे दूसरे बंदे का भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले नीचे देखते हुए क्या क्या है। और उसके बाद यहाँ पे गाइस हर एक बंदे का इस तरह से फिलअप करना है आपको, हर एक चारों बंदों का, ठीक है। एक ही बंदा करेगा रजिस्ट्रेशन, प्लेयर टू आईजीएन, प्लेयर दो का आईजीएन, जैसे मैंने डाला यूएफजेड स्पार्टन, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि गलती नहीं करनी है। करेक्टर आईडी की बात करें तो मैंने पहले से कॉपी कर रखी थी, उसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे एक बार फिर से। तो चलिए पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने कर दी यहाँ पे दूसरे बंदे की भी कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ जैसे मैंने गलती की वैसे नहीं करनी, यहाँ पे पहले एट द रेट लगाओगे आपको टैग का ऑप्शन ही नहीं आएगा, देखो ऊपर की तरफ कोई ऑप्शन ही शो नहीं हुआ। तो पहले एक बार स्पेस देखिए, डिस्कॉर्ड टैग के बाद यहाँ पे जो हाइफन है उसके बाद एक स्पेस, यानी कि एट द रेट से पीछे एक स्पेस, फिर यहाँ पे जाना ऊपर, देखिए यहाँ पे आ गया मेरे बंदे का नाम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। तो मैं फिलअप करके आपको मिलता हूँ पूरा, तो फिर बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, पूरे की तरह से मैंने फिलअप कर लिया पूरा का पूरा। यहाँ पे जो फिलअप करने का था उसको सेंड कर देना। उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया यहाँ पे, तो मतलब आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया। उसके बाद आप कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ग्रुप लिस्ट यहाँ पे कन्फर्म टीम में आपकी टीम का नाम आ गया, 40वां रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 टीमें रजिस्टर हो गई, ठीक है। तो कन्फर्म टीम में हमारा नाम आ चुका था। तो इसके बाद ग्रुप लिस्ट में आपकी टीम का नाम बहुत जल्द आ जाएगा, जैसे 12 स्लॉट हो जाते हैं अगले वैसे ही नाम दे देते हैं। तो इतना कर प्रोसेस है गाइस, सिंपल सा प्रोसेस है, होपफुली आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो गाइस एक बार फिर से वीडियो को चेकआउट कर लेना, बीच में थोड़ा सा रुक के देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, कल आपसे मैं फिर मिलूंगा, कल नहीं शाम को फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।